हजार भी पंबरा जी पंबरा। फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। इस वास्तव सारे बड़े भरा और जिन्हें भी करीब इतना बैठी थी जिन्हें भी बुजुर्ग नौजवाना ने कोई जरूरत नहीं है। 10 साल हो गए असर एफ आई आर दिख रहे मेरी लास्ट पंचायत है खून बलाग भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आज पार्टी की तरफ से ऐसा रहा कि दूसरा उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका मैंडेट काट कर हमने उसको दिया। एक समर्पित कार्यकर्ता होने की जो सजा मिली है, आज कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि ये सजा केवल आपको नहीं, धीरे धीरे ये हम सबको ये सजा मिलेगी। उस नाते से हम सब का एक सामूहिक एक फैसला जनता ने मुझे दिया है। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पार्टी के नेतृत्व को भी क्या अगर अपने वो निर्णय को बदलते हैं तो मुझे लगता हम स्वागत करेंगे। अगर निर्णय को नहीं बदलते हैं तो परसों ठीक 11 बजे जो जनता का फैसला अभी यहाँ पर हुआ कि हम सब लोग नंद पैलेस में इकट्ठा होंगे, तो मैं जनता के फैसले के बिल्कुल साथ हूँ, शाना बशाना हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। देखिए, ये जनता का मैं समझता हूँ जो प्यार हमें आज दिखा और पार्टी को जो हमने 12 बजे का हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं ने एक अल्टीमेटम और एक कहीं ना कहीं कहें तो सीधे तौर पर कहा था कि निर्णय को बदलिए, कोई ठीक निर्णय लीजिए, तो पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने ये घिनौनी हरकत की है, मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा, उसने ये जो घिनौनी हरकत की थी और उधमपुर की जनता का गला घोंटा है, उधमपुर की जनता का विश्वासघात किया है, मुझे लगता है उस नाते से आज उन्होंने उसको बदलकर कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी को बनाया है। हम उसका उस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो फैसला, जनता का जो फैसला सीधे तौर पर है कि पार्टी अपने मैंडेट को बदले, अन्यथा इस पे हम जो हमने फैसला किया है जनता का आशीर्वाद। आदमी खेला हो, कूदा हो, चला हो, जिसने जीवन का अपना पूरा समय इस पार्टी के लिए समर्पित किया हो, अपने घर की परवाह किए बगैर, घर के अंदर कौन कौन बीमार है, क्या पोजीशन है, उस बात की परवाह किए बगैर, चाहे वो अन्य प्रदेशों में जाकर काम करने की बात हो, राष्ट्रीय तौर पर काम करने की बात हो, एक बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने पार्टी का काम किया है, पार्टी की सेवा की है। लेकिन आज जिस प्रकार से पार्टी का निर्णय हुआ, अगर निर्णय सीधे तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बूथ के किसी कार्यकर्ता को मैंडेट दे देते तो दुख नहीं था। आज जिस कार्यकर्ता ने एक कार्यकर्ता के नाम की छवि को बिगाड़ा कि पिछले हमारे हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे पार्टी के अगेंस्ट ओपन काम किया, उस नेता को जब मैंडेट मिला तो कार्यकर्ताओं का रोष कल देखने को मिला। मुझे लगता है किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को पार्टी, मैं आज के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पार्टी मुझे मैंडेट ना दे, इसकी कोई परवाह नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, जीवन भर पार्टी के अंदर रहूंगा, लेकिन पार्टी की सेवा करूंगा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से पार्टी को केवल इतना आह्वान है, एक निवेदन है, आग्रह है कि हमारे पार्टी के किसी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता को मैंडेट दे दीजिए, हमारे किसी पंच सरपंच को मैंडेट दे दीजिए, पार्टी के किसी भी हमारे सीनियर नेता को पदाधिकारी को मैंडेट दे दीजिए, हम उस डिसीजन का उस फैसले का स्वागत करेंगे और शाना बशाना हम सीट उनकी झोली में डाल देंगे। अन्यथा ये जो कार्यकर्ता जिसको उन्होंने एक अपनी कार्यकर्ता कहते हुए, हमें शर्म आती है ऐसे कार्यकर्ता को जिसने सरेआम पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसके सबूत हमारे सांसद के पास भी हैं, हमारे परिवार के लोगों के पास भी हैं, अगर हम फिर उसको जिंदाबाद करेंगे तो मेरा कॉन्शियस कम से कम मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैं स्पष्ट लफ्जों में आपके माध्यम से तमाम नेताओं के आगे ये आग्रह कर रहा हूँ कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मैंडेट दे दीजिए, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो, हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। जिस कार्यकर्ता को हम कार्यकर्ता कहने में संकोच कर रहे हैं, शर्म आ रही है क्योंकि उसने
हमारे लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अगेंस्ट काम किया, ओपन अगेंस्ट काम किया, उसके कार्यकर्ता जो उसके समर्थक थे उन्होंने अगेंस्ट काम किया, आज उनके जिंदाबाद के नारे हम किस तरीके से लगाएंगे, कहीं ना कहीं मन में संकोच है, क्योंकि हमने पार्टी की जय बोला है, पार्टी को देश को हमने पहले माना है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, इतनी हमारी मातृशक्ति है, किसी को भी मैंडेट दे दे, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। मैं आपके माध्यम से ओपन कहना चाहता हूं, मुझे मैंडेट मत दीजिए, किसी को भी मैंडेट दे दीजिए, लेकिन कार्यकर्ता को मैंडेट दीजिए, हम उस फैसले का स्वागत करें।